कैपेसिटर तो आपने बहुत देखा होगा बेटा, लेकिन इसके अंदर का कभी देखा है कि आखिर इसके अंदर होता क्या है? माई सेल्फ आशुतोष सिंह, और आज हम बेटा देखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर या कंडेंसर के अंदर होता क्या है। तो बेटा आइए, हमने एक कंडेंसर को ऐसे खोल के निकाला है अंदर से, और ये है उसके ऊपर का स्टिक। और सबसे पहले स्टिक आप अगर देखने गौर करेंगे तो यहाँ से दो टर्मिनल होते हैं ये, और इन्हीं दो टर्मिनल से आपस में कनेक्ट होता है। एक है पॉजिटिव वाला, एक है नेगेटिव वाला, जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अभी तो हम लोग। लेकिन हाँ, इसके डब्बे के इसके ऊपर एक इंडिकेटर होता है, साइन होती है, जो हमें बताता है कि नेगेटिव साइन है कैपेसिटर का। ये हमें बताता है कि ये जो साइड है वो नेगेटिव है। ठीक है बेटा, ये जो कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटी कैपेसिटेंस है वो है 10,000 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट डीसी का। और इस पे जो इसके जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, वो है आप देख सकते हैं 85 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम देखते हैं बेटा इसके अंदर। तो इसके अंदर ये कुछ इस तरह का निकल के आया है आइटम, और अगर इसके अंदर आप देखने की कोशिश करो तो कुछ लिक्विड टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा बेटा, कुछ लिक्विड टाइप का आपको देखने मिलेगा। और मैं इसको निकाल के थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ये जो है आइटम, ये देख सकते हैं बेटा आप, ये जो आइटम है ये एक लिक्विड है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं बेटा। ये एक डाई इलेक्ट्रिक की तरह इस कैपेसिटर के अंदर वर्क किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हो बेटा कि ये कुछ कागज़ की फोम की तरह है, ये कागज की फोम की तरह है, जिसमें ये लिक्विड भरा हुआ है। और ये लिक्विड काफ़ी चिपचिपा है और ऑयली है, और यही ऑयली जो लिक्विड है ये कैपेसिटर के अंदर का जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू को बढ़ाता है बेटा। इसको साइड कर देते हैं हम लोग। उसके बाद इसमें यही सबसे चीज़ थी, उसके ऊपर एक कवरिंग है। अब हम लोग सीधा मेन मुद्दे बात करते हैं बेटा कि इसके अंदर ये क्या सीन है। ये हो गया कैप, ये हो गया ऊपर का। अब इंटरनली अगर देखने की कोशिश करें बेटा, जैसा इसकी बनावट है, तो इधर से हमारे जो ऊपर ये बाहर से ये दो आप देख सकते थे पोल कैथोड और एनोड वाले, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, और दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, जिससे हम इसको सर्किट में इंप्लीमेंट करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखो बेटा, तो जब हम इसको ओपनिंग करने की कोशिश करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं बेटा, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। वैसे बेटा इसको आप अपने घर में नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अगर आपने कैपेसिटर यूज वाले कैपेसिटर को उठाए हैं किसी जगह से, तो वो कैपेसिटर अंदर से चार्ज हो सकते हैं और आपको बहुत ही खतरनाक लेवल का स्टैटिक चार्ज का सामना करना पड़ेगा, जो बिल्कुल बिजली के झटके की तरह होगा बेटा, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो अभी मैंने बेटा इसको मैं ओपन कर रहा हूँ बिल्कुल सेफ्टी के साथ, इसको मैं ओपन करते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं बेटा, ये जो लेयर आप देख लो बेटा, देखो ये वाली लेयर है, इसके बीच में बेटा ये कुछ कागज़ का है, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क हो रहा है, ठीक है। और इसका प्रयोग इसलिए करते हैं इसके अंदर, ताकि एक प्लेटें दूसरे प्लेट के अंदर ये चिपके ना। और बेटा ये देखो, ये बिल्कुल मेटालिक प्लेटेड हैं, ठीक है, मेटालिक प्लेटेड हैं ये, और बीच में फोम है। उसके बाद इसके नीचे एक और आप देख सकते हो बेटा, ये वाला सीन, ये जो देख सकते हो बेटा एक और वो है। अब इसमें भी बेटा एक मेटालिक पत्थर है, मेटालिक या फॉइल कह सकते हैं हम लोग। और ये दोनों देखो बेटा, ठीक है, ये जो होता है बेटा थोड़ा हल्का पतला है, और ये वाला इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है। अब डिपेंड करता है कि कौन से ब्रांड में कौन सा। और बेटा इसके अंदर एक लिक्विड भी है, जिस लिक्विड में चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे, अगर हम लोग इसको ओपन करें, इसको बेटा और आगे ओपन करते जाएँ, ठीक है, तो आप देखते जाना इसको और ओपनिंग कर रहे हैं हम लोग, कहाँ तक ये खुलता है और अंदर क्या हमें मिलता है बेटा, ठीक है। तो ये बेटा देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने एक देखो बेटा, एक और करना, ये देखो ये पार्ट मिला बेटा, ये प्लेट वन है, इस प्लेट से एक तार कनेक्टेड है इसके अंदर, और ये वाली प्लेट से बेटा एक तार यहाँ कनेक्टेड है, और एक तार अभी भी बची हुई है, जिसे हम लोग देखेंगे कि ये वाली कनेक्टेड कहाँ प्लेटेड है बेटा, ठीक है। तो इसे भी हम लोग ओपन करते जाते हैं, इसको अनफोल्ड करते जाते हैं बेटा, ठीक है। और अनफोल्ड करते 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 हमने मिला क्या बेटा, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग क्या मिलता है हम लोग बेटा। काफ़ी लंबा है, 1 मीटर से अधिक है, ये लग रहा है कि ये अनफोल्ड हो रहा है बेटा, ठीक है। और हमें बेटा आप देख सकते हो कि हमें एक और इसका इलेक्ट्रोड का पार्ट मिल गया है, जहाँ पे ये आपस में बेटा क्या है, लिंकेज है आपस में, ठीक है बेटा। यहाँ से हम देख सकते हैं,
इस कंडीशन में यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड के पार्ट है और बेटा इधर की तरफ भी एक स्ट्रिप लगी हुई है जो इलेक्ट्रोड का पार्ट हम बोलते हैं टूट चुका है बेटा, ठीक है। ये डिफॉर्म होने की वजह से, ये जलने की वजह से इसका यहाँ से ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर हो गया ख़राब और ये वर्क नहीं कर सकता बेटा। अनवर्क कैपेसिटर है लेकिन ये अंदर से चार्ज रहते हैं और काफ़ी ख़तरनाक होते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए ध्यान से इसको ओपन करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर के इंटरनल पार्ट को बिल्कुल ओपन कर दिया बेटा। देख लो ये देखो बेटा, ये एक कैपेसिटर के अंदर बेटा ये सीन होता है टोटल। देख लो आपके सामने इतना सारा इसमें पार्ट होता है बेटा, ठीक है। अब इसको हम लोग हाँ तो ये फोल्ड हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ से बेटा ये हमने यहाँ से ये निकाल दिया, तो अगर आप गौर करो बेटा तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रोड हम इसको सेपरेट कर लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड तो इसमें दो ही होंगे बेटा, ठीक है, पर उन दोनों से दो दो कनेक्शन होगा। आप कनेक्शन बेटा यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये कनेक्शन आप यहाँ देख सकते हो। इनका प्रयोग हम करते हैं, इसको फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट से बेटा हमने ये देखो ये डाई इलेक्ट्रिक को यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। और हमें बेटा मिल गया, ये हमने इसको फोल्ड कर दिया। तो ये था बेटा हमारा पूरा एक जो इलेक्ट्रोड का जो प्लेटें हैं वो आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे। और उसके बहुत सारे ये फॉर्म्स जो इसके अंदर लगते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का काम ही होता है बेटा कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना। तो जैसा आपको मालूम होगा कि डाइलेक्ट्रिक जब भी हम प्लेस करते हैं कैपेसिटर के अंदर तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है के टाइम। कितने टाइम्स बेटा के टाइम? देखो ये वाला है इसका सेकेंड प्लेट, जो आपको आवाज़ भी आ रही होगी बिल्कुल टीन की तरह, ठीक है। तो ये काफ़ी हल्का है उसके मुकाबले, लेकिन बेटा ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, हाथ कटने का बहुत ही डर होता है। तो आपको इसको ध्यान से अगर ओपनिंग करना चाहते हैं घर पे तो बिल्कुल हैंडल विथ केयर करें। और मैंने अपने हाथ बेटा ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, लेकिन आप ऐसा काम नहीं करेंगे, आप ग्लव्स पहन के इंसुलेटेड ग्लव्स पहन के ही आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा हम लोग फिजिक्स की कुछ इंटरनल बातों को हमने देखा यहाँ पे कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अंदर से देखने में होता कैसा है बेटा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना यहाँ पे, और ये हो गया बेटा हमारा समाप्त। तो ये थी बेटा दो प्लेटें और ये बहुत सारे गंद और बेटा बहुत स्मेल आ रहा है, ठीक है। इसमें अलग तरह की एक लिक्विड तरह की स्मेल है, तो ये हो गया बेटा समाप्त। तो यही था बेटा हमारा जब हमने इसको अनबॉक्स कर दिया, तो ये था बेटा अनबॉक्सिंग ऑफ कैपेसिटर। मज़ा आएगा बेटा, और भी बहुत सारी चीज़ों की हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। चलते हैं बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम।